बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तमाम सेकंड ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं उन सबको वेलकम करता हूं आज की वीडियो में। और आज की वीडियो में हम लोग सेकंड ईयर केमिस्ट्री के हवाले से डिस्कशन करेंगे एंड वी विल डिस्कस वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द सेकंड ईयर केमिस्ट्री, डेट इज़ ग्रिगनार्ड्स रिएजेंट। ग्रिगनार्ड्स रिएजेंट को पास्ट पेपर्स में देखा जाए तो इसका हर साल एक क्वेश्चन लाजमी आता ही आता है। और ग्रिगनार्ड्स रिएजेंट एक बहुत ही कॉन्सेप्चुअल और लॉजिकल टॉपिक है कि जिसमें अगर देखा जाए तो सिर्फ समझने की चंद एक बातें हैं, और अगर वो बातें समझ में आ जाएं तो आप इजीली इस पूरे टॉपिक को कवर अप कर सकते हैं। ग्रिगनार्ड्स रिएजेंट के हवाले से अगर देखा जाए तो ग्रिगनार्ड्स रिएजेंट को हम लोग ऑर्गेनोमेटैलिक सॉल्ट का नाम भी देते हैं, और इसी ग्रिगनार्ड्स रिएजेंट को हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड का नाम भी दे रहे होते हैं। तो अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड का जो नाम है ये इसके स्ट्रक्चर की बेसिस पर है, यानी कि इसका स्ट्रक्चर क्या बनेगा, आर बॉन्ड एम जी बॉन्ड एक्स। ठीक है, ये ग्रिगनार्ड्स रिएजेंट का स्ट्रक्चर। ग्रिगनार्ड्स रिएजेंट के हवाले से बात की जाए कि ग्रिगनार्ड्स रिएजेंट होता क्या है, तो इट वॉज फर्स्ट प्रिपेयर्ड बाय अ साइंटिस्ट नेम विक्टर्स ग्रिगनार्ड। विक्टर ग्रिगनार्ड नामी एक साइंसदान ने इसको सबसे पहले प्रिपेयर किया था, जिसकी बेसिस पे आज इसको हम लोग ग्रिगनार्ड्स रिएजेंट भी कहते हैं। ऑल्दो के इसकी नेचर वाइज इसका नाम ऑर्गेनोमेटैलिक सॉल्ट होना चाहिए, या इसके स्ट्रक्चर की बेसिस पे इसका नाम अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड होना चाहिए। ग्रिगनार्ड्स रिएजेंट इज काउंटेड एज वन ऑफ द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्काइल हैलाइड्स बिकॉज वी स्टडी दैट whenever an alkyl halide is treated with magnesium metal in the presence of anhydrous ether, it results in the formation of Grignard's reagent. Keep it in your mind कि Grignard's reagent को organic chemistry में बहुत ज़्यादा importance हासिल है, and one of the reason for this importance is कि Grignard's reagent is used for the preparation of variety of another organic compounds. Second reason could be that ke in this compound the alkyl possess partially negative charge, aur ye bahut hi unique baat hai kyunki jab bhi hum अल्काइल को डिस्कस करते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर डिस्कस करें ये है अल्काइल और ये है हैलाइड, तो अल्काइल पे पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आता है और हैलाइड पे पार्शियली नेगेटिव। लेकिन जब ये इस मैग्नीशियम के साथ मिल जाएगा तो मैग्नीशियम होता है हाईली इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट, एज अ रिजल्ट ऑफ विच इस अल्काइल पे पार्शियली नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और मैग्नीशियम पे पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ये दो वजूहात कंसिडर की जा सकती हैं, वैसे तो और भी बहुत सारी वजूहात हैं, लेकिन ये दो वजूहात हैं जिनकी बिना पर
हम लोग ये तासुर बांध सकते हैं कि ग्रिगनार्ड्स रिएजेंट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक बहुत ही अहम टॉपिक है, एक बहुत ही अहम कंपाउंड है। अच्छा, ग्रिगनार्ड्स रिएजेंट की असल इम्पोर्टेंस इसकी केमिकल रिएक्शंस में होती है, ठीक है। अगर मैं सिंध बोर्ड के हवाले से बात करूं तो ग्रिगनार्ड्स रिएजेंट की केमिकल रिएक्शंस क्या हो सकते हैं? केमिकल रिएक्शंस इसके क्या क्या हो सकते हैं, इसमें हम पढ़ सकते हैं रिएक्शन विथ वाटर, ठीक है जी। सेकंड हम पढ़ सकते हैं रिएक्शन विथ अमोनिया। थर्ड हम कह सकते हैं रिएक्शन विथ अल्कोहल। फोर्थ हम पढ़ सकते हैं रिएक्शन विथ अल्काइल हैलाइड, और फिफ्थ हम पढ़ सकते हैं रिएक्शन विथ अल्काइल अमाइन, ठीक है। ये शुरू का पांच रिएक्शंस हुए। सिंध बोर्ड की किताब में हम लोग ग्रिगनार्ड्स रिएजेंट के 9 रिएक्शंस पढ़ते हैं, और फिलवक्त हम लोग सिंध बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो बना रहे हैं, तो हम स्पेसिफिकली उन्हीं 9 रिएक्शंस के ऊपर बात करेंगे। तो ये 5 रिएक्शंस हुए, और क्या रिएक्शंस हो सकते हैं? इनमें हमारे पास एक रिएक्शन हो सकता है रिएक्शन विथ कार्बन डाइऑक्साइड, एक हो सकता है रिएक्शन विथ फॉर्मेल्डिहाइड, एक हो सकता है रिएक्शन विथ अदर एल्डिहाइड, और आखिरी हम लोग ये कह सकते हैं रिएक्शन विथ कीटोन, ठीक है। ये 9 रिएक्शंस के हवाले से आपको आइडिया होना चाहिए। अब मैं एक अगर आपको मशवरा दूं और आप लोग मेरे मशवरे पर अमल करें, तो सबसे पहला काम ये करें आप लोग कि आपको ये 9 के 9 रिएक्शंस के नाम याद होने चाहिए कि ग्रिगनार्ड्स रिएजेंट कैन रिएक्ट विथ वाटर, इट कैन रिएक्ट विथ अमोनिया, अल्कोहल, अल्काइल हैलाइड, अल्काइल अमाइन, कार्बन डाइऑक्साइड, फॉर्मेल्डिहाइड, अदर एल्डिहाइड एंड कीटोन। ये सब आपको पहले तो याद होना चाहिए। सेकंड थिंग ये है कि हर एक रिएक्शन के नतीजे में प्रोडक्ट क्या बनेगा, इस हवाले से आइडिया होना चाहिए। जैसे कि ये जो आपके पास शुरू के 5 रिएक्शंस हैं, इन 5 रिएक्शन के नतीजे में हमारे पास बनता है अल्केन, इन 5 के नतीजे में हमारे पास बनता है अल्केन, ये आपको याद। अब इसमें और आप कैटेगराइज कर सकते हैं, जैसे कि इन तीनों के नतीजे में फ्रॉम मीथेन टू एनी अदर मेंबर ऑफ द अल्केन, यानी कि पहले कार्बन या पहले मेंबर के अल्केन से लेके आगे जितने भी अल्केन बन सकते हैं सब यहाँ पे बन सकते हैं शुरू के 3। लेकिन ये जो 2 है ना, इनमें मीथेन की फॉर्मेशन नहीं होगी, CH4 मीथेन इन दोनों में नहीं बनता। क्यों नहीं बनेगा वो भी आगे चल के बात समझ आएगी। जो रिएक्शन विद कार्बन डाइऑक्साइड है, इसमें कहा जाता है कि
formation of कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। इसमें अगर आप देखें तो फॉर्मेशन ऑफ 1 डिग्री अल्कोहल, इसको अगर आप देखें फॉर्मेशन ऑफ 2 डिग्री अल्कोहल, और यहाँ पर अगर आप देखें बात तो फॉर्मेशन ऑफ 3 डिग्री अल्कोहल। ये 9 रिएक्शन में आपको ज़बानी याद होना चाहिए कि किसके साथ रिएक्शन के नतीजे में किस प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होगी। इसी तरीके से ये जो रिएक्शन विद वाटर है, ये जो रिएक्शन विद वाटर है इसको हम लोग हाइड्रोलिसिस ऑफ ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट भी कहते हैं, यानी कि ब्रेक डाउन इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। समझ रहे हैं बात को? ये हमारे पास 9 के 9 रिएक्शन के नाम। अब मैं आपको अगर रिएक्शन करना बताऊं तो भाई फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं कहूं कि हमें ये जहन में रखना है कि रिएक्शन विथ वाटर, तो रिएक्शन विथ वाटर में आपको जनरल मैकेनिज्म मालूम होना चाहिए। जनरल मैकेनिज्म कैसे कि दिस इज ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट एंड इट रिएक्ट्स विथ वाटर, तो आपको आइडिया होना चाहिए कि ये रिएक्शन होगा कैसे। अगर आपको इस बात का आइडिया है तो आपके लिए रिएक्शन बहुत आसान हो जाएगा। जैसे कि मैं ये कह दूँ कि ये है पार्शियली नेगेटिव, जैसे मैंने कहा था ये है पार्शियली पॉजिटिव, ये पार्शियली पॉजिटिव और ये पार्शियली नेगेटिव, तो याद रखिएगा हमेशा कि एक नेगेटिव पॉजिटिव के ऊपर अटैक करता है, तो इस नेगेटिव ने इस पॉजिटिव पर अटैक किया, इसी तरीके से इस नेगेटिव ने इस पॉजिटिव पर अटैक किया, सही। नतीजा क्या निकला? नतीजा ये निकला कि R के साथ H आके अटैच हो गया और ये हो गया R बॉन्ड H, और मैग्नीशियम जिसके साथ पहले ही एक हैलोजन था अब दूसरी साइड पे उसके OH आके अटैच हो गया। अब आप लोगों को अल्काइल की डेफिनेशन अगर मैं याद दिलाऊं तो अल्काइल हम लोग कहते हैं अल्काइल रेडिकल या अल्काइल उसे कहते हैं कि अगर अल्केन में से, जैसे कि CH4 है, अल्केन में से एक हाइड्रोजन माइनस हो जाए तो ये हो जाएगा CH3 अल्काइल, ठीक है। और उसी अल्काइल में अगर वापस से एक हाइड्रोजन आके अटैच हो जाए तो क्या बन जाएगा? ये लाजमी है कि क्या बनेगा? अल्केन। तो हमारे पास ये रिएक्शन विथ वाटर इस तरीके से। अब कोई ये कहे कि भाई ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट से इथेन बना के दिखा दो, मीथेन बना के दिखा दो, प्रोपेन बना के दिखा दो। अब इस पर हमारी मर्जी है कि हम ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट का रिएक्शन किसके साथ करवाएं। फॉर एग्जांपल अगर मैं वाटर के साथ करवाऊँ और मैं ये कहूँ कि प्रिपेयर इथेन बाय द रिएक्शन
Grignard's reagent, एंड वाटर। ऐसी सूरत में क्या होगा, इसमें हम ये कहेंगे कि भाई इथेन बनाना है ना, तो ग्रिगनार्ड्स रिएजेंट में मैग्नीशियम बॉन्ड हैलोजन जो होता है, तो उसमें मैंने अपनी मर्जी से क्लोरीन यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया, क्योंकि देखिए ऊपर जो लिखा हुआ है उसमें कोई भी शर्त मौजूद नहीं है कि हैलोजन क्या हो, कौन सा होना चाहिए, हेलोजन की शर्त नहीं है, इसलिए मैंने नहीं बताया, मैंने अपनी मर्जी से जो है क्लोरीन सेलेक्ट किया। हाँ, शर्त है कि इथेन बनना चाहिए। आप जनरल रिएक्शन से देखें कि जितने कार्बन का इथाइल, जितने कार्बन का अल्काइल होगा उतने ही कार्बन का अल्केन बने। अगर मुझे इथेन बनाना है तो मुझे इथाइल चाहिए होगा, और इथाइल को मैंने लिखा यहाँ पे C2H5। इसका रिएक्शन करवाया मैंने किसके साथ, वाटर के साथ, तो H बॉन्ड OH, ये मैंने कह दिया पार्शली पॉजिटिव, ये हो गया पार्शली नेगेटिव, ये पार्शली पॉजिटिव और ये हो गया पार्शली नेगेटिव। नेगेटिव हमेशा पॉजिटिव के ऊपर अटैक करेगा, इसी तरीके से इस नेगेटिव ने इस पॉजिटिव पर अटैक कर दिया। अब आप इक्वेशन बनाएं तो ये इक्वेशन में C2H5 के साथ अगर एक हाइड्रोजन आकर अटैच हो जाएगा तो क्या गलत होगा कि मैं इसको C2H6 लिख दूं? बिल्कुल गलत नहीं। और दूसरी जानेब मैग्नीशियम के साथ क्लोरीन और OH आके अटैच हो गया, तो ये C2H6 क्या हो गया, ये C2H6 हो गया ईथेन, ये C2H6 क्या हो गया, ईथेन। समझ में आई बात आप लोग? ये तो एक सिंपल सा डिस्कशन था। सेम पैटर्न पे रिएक्शंस होंगे अगर आप अमोनिया और अल्कोहल के साथ देखें। मिसाल के तौर पे अमोनिया का मैं जनरल मैकेनिज्म बना रहा हूं, रिएक्शन विथ अमोनिया। आप जरा देखिएगा, आर बॉन्ड एमजी बॉन्ड एक्स, अमोनिया के साथ कैसे रिएक्शन होगा कि अमोनिया ब्रेक होगा हाइड्रोजन बॉन्ड NH2 में, बस ये याद होना चाहिए आपको। अब इसमें आप इजीली कैटेगराइज कर सकते हैं कि ये हो गया पार्शियली पॉजिटिव, ये पार्शियली नेगेटिव, ये पार्शियली पॉजिटिव और ये पार्शियली नेगेटिव। इस नेगेटिव ने इस पॉजिटिव पर अटैक कर दिया, इस नेगेटिव ने इस पॉजिटिव पर अटैक कर दिया, और हमारे पास फॉर्मेशन हो गई किसकी, आर बॉन्ड H। दूसरी जानिब पे हमारे पास ये बन गया मैग्नीशियम अमाइन हैलाइड, लेकिन इसका कोई मतलब डिजायर्ड टारगेट नहीं होता कि भाई ये कौन सा बनेगा सॉल्ट, हमें सिर्फ ये बताना होता है अल्केन कौन सा बनेगा। और सेम पैटर्न पे अगर आप देखें तो रिएक्शन विद अल्कोहल, रिएक्शन विद अल्कोहल में क्या बात होगी कि ग्रिगनार्ड्स रिएजेंट हो गया आर बॉन्ड एमजी बॉन्ड एक्स। अल्कोहल के साथ रिएक्शन में आप ये याद रखिएगा कि अल्कोहल में क्या होगा कि अल्कोहल के अंदर एबिलिटी होती है प्रोटोनेशन, यानी कि हाइड्रोजन लूज करने की, OH में से H पॉजिटिव लूज करने की, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन भी कह सकते हैं इसको अल्कोहल का, और ये अल्कोक्सी बन रहा है, ठीक है। तो इसी प्रॉपर्टी को हम यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे, ये हो गया पार्शली नेगेटिव, ये पार्शली पॉजिटिव, ये पार्शली पॉजिटिव और ये पार्शली नेगेटिव। इस नेगेटिव ने इस पॉजिटिव पर अटैक करना है और इस नेगेटिव ने इस पॉजिटिव पर अटैक करना है,
तो हमारे पास फॉर्मेशन हुई आर बॉन्ड एच, और मैग्नीशियम के एक साइड पे एक्स मौजूद है, दूसरी साइड पे ओ आर हो जाएगा। ठीक है जी, होपफुली ये बातें क्लियर हो रही हूँ, कोई ज़्यादा डिफ़िकल्ट ये डिस्कशन नहीं होगा, और इन तीनों रिएक्शन से आइडिया हो गया होगा कि आप इन तीनों में से किसी एक को समझ लें, आपके ये तीनों रिएक्शन क्लियर हो जाएंगे। बस आपको आइडिया ये होना चाहिए कि वाटर को कैसे ब्रेक करना है, अमोनिया को कैसे ब्रेक करना है, और अल्कोहल को कैसे ब्रेक करना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फर्दर हम लोग रिएक्शंस को डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।